हेलो एवरीवन, महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद से बहुत अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। आयु यहां पर 45 वर्ष अधिकतम रहने वाली है। कोई आपका एग्जाम नहीं होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की 26 अक्टूबर रहने वाली है। बहुत अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी आई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ग्रेजुएट यहाँ पर मांगी गई है। ऑल स्टेट अलाउ रहेंगे। भारत में किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। वेतन यहाँ पर 31,450 आप लोगों को अधिकतम मिलने वाला है। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहां पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूं। ऐसी जो वैकेंसी की जो सूचना होती है वो बिल्कुल मेरे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सूचना सबसे पहले मिल सके और आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो समय से पहले भर सकें। तो यहाँ पर विज्ञापन जो है वो 5 अक्टूबर 2023 को आया है। जिला बालोद से मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन के लिए संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो केवल जो है वो महिला ही नहीं, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी भी जो है आवेदन कर सकते हैं। एक यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है संविदा, इस आधार पर जो है यहाँ पर नियुक्ति होगी। बट इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए बिल्कुल आराम से जो है सोच सकेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जिन पदों के लिए नियुक्ति होगी तो इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा या एक मुश्त वेतन पर अधिकतम 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर संविदा या सेवा की जो अवधि है आपकी 2 वर्ष के बाद की बात है ये, तो सेवा अवधि को जो है प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए, यानी कि हर साल जो है वो 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो मेन थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को पद का नाम और सैलरी जो है वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अंतिम डेट जो है वो 26 अक्टूबर है और पद का जो नाम है जिला मिशन समन्वयक है, जेंडर विशेषज्ञ है, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ है। क्वालिफिकेशन ज्यादा हायर यहाँ पर नहीं मांगी गई है। ठीक है, और यहाँ पर कार्यालय सहायक की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, मल्टीटास्क स्टाफ की पोस्ट है। निर्धारित एकमुश्त संविदा मासिक वेतन यहाँ पर जो है जिला मिशन समन्वय को 31,450 मिलेंगे, 25,780 जो है जेंडर विशेषज्ञ को मिलेंगे, 20,900 यहाँ पर वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ को दिए जाएंगे। कार्यालय सहायक की जो सैलरी है वो 18,420 रहेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14,200 रहेगी और यहाँ पर 11,720 जो है मल्टी टास्क स्टाफ की रहेगी। अब यहाँ पर केवल ये जो 3 पोस्ट है इसी पर जो है वो मैंने यहाँ पर राइट का निशान क्यों लगाया है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो यहाँ जो वेतन है वो काफी अच्छा मिलने वाला है। जो आवेदन पत्र है वो केवल रजिस्टर, डाक और स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से ही जो है आप लोग भेज सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ, जो मैंने आप लोगों को 2 पोस्ट दिखाई है, जिला मिशन समन्वयक और जेंडर विशेषज्ञ, इसके लिए कहा है कि आयु जो है वो 21 से लेकर अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए और बाकी जितने भी पद हैं उसमें जो आयु है वो 21 से लेकर 35 वर्ष से अधिक ना हो। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्रेशर भी जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जितनी ज्यादा आप लोगों के पास अनुभव है या जितनी ज्यादा जो है वो वांछनीय योग्यता है उस आधार पर जो है आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। पद नाम जो जिला मिशन समन्वयक है, तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन समाजशास्त्र में किया है या जीवन विज्ञान में किया है या पोषण में किया है या स्वास्थ्य प्रबंधक में किया है, समाज कार्य में किया है या ग्रामीण प्रबंधन में कोई स्नातक डिग्री है आपके पास सामाजिक कार्य की, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अनिवार्य कौशल के लिए जो है कंप्यूटर का जो है वो ज्ञान आपको होना चाहिए और हर स्टूडेंट को आजकल जो है वो कंप्यूटर की नॉलेज तो होती ही है। तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, बस यहाँ पर जो है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, एमएस ऑफिस में कार्य करने की जो है कैपेसिटी क्षमता जो है वो होनी चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव जो है यहाँ पर कहा है कि संबंधित क्षेत्र का, यानी सोशल वर्क में या समाजशास्त्र में किसी भी जो है शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन या किसी भी संस्था में अगर 3 वर्ष का अनुभव है
तो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर, या कम से कम जो है वो 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अगर अनुभव है तो जो है आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास यहाँ कोई अनुभव नहीं है तो बस ये जो मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बस इतना ही रहेगा। बाकी अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी अधिकतम है, अनिवार्य कौशल आपके पास अधिक है, या वांछनीय योग्यता जैसे कि स्नातकोत्तर, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है तो आप लोगों को और अधिकतम जो है मार्क्स मिलेंगे। कैसे सिलेक्शन होगा वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो जो है यहाँ पर वांछनीय योग्यता में आपके मार्क्स जो है वो ऐड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जेंडर, जो पोस्ट है जेंडर विशेषज्ञ की, तो यहाँ पर भी जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है, सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, एमएस ऑफिस में कंप्यूटर टाइपिंग में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, और आप लोगों को यहाँ पर जो है प्राथमिकता मिलेगी अगर आपने स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है, और इसके अलावा जो है वो जेंडर से संबंधित कार्य का अगर किसी भी शासकीय अर्धशासकीय गैर सरकारी संगठन या संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है, या कम से कम 3 वर्ष का जो है महिलाओं के मुद्दों का अनुभव है, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है स्नातक डिग्री जो मांगी गई है वो अर्थशास्त्र, बैंकिंग या अन्य सामान्य कार्य में डिग्री, जो पोस्ट का नाम है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ, ठीक है। तो अगर इस कार्य में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, और बाकी सभी चीजें जो है वो बिल्कुल समान है। नेक्स्ट जो पोस्ट है कार्यालय सहायक, तो यहाँ पर आपने लेखा या अन्य क्षेत्र में ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा है जिसमें लेखा एक विषय के रूप में तो होना ही चाहिए, ठीक है, और बाकी चीजें जो है यहाँ पर भी समान है। नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है, और आईटी या अन्य क्षेत्रों का ज्ञान है जो आपको होना चाहिए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है कंप्यूटर का तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बाकी जो है डाटा प्रबंधक, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग मार्क फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय अर्धशासकीय गैर सरकारी संगठन या संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट संस्था का ही नहीं बल्कि अगर आप किसी भी प्राइवेट संस्था का जो है आपके पास है अगर कोई अनुभव, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो बिल्कुल आप लगा दें। आप अगर फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि अगर आप 1 साल का लगाते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, 2 साल का लगाते हैं तो उससे अधिक मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्शन होगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव यहाँ मांगा गया है। मल्टीटास्क स्टाफ एमटीएस के लिए यहाँ पर जो है केवल 10th मांगी गई है किसी भी बोर्ड से, और यहाँ पर जो है किसी भी शासकीय या अर्धशासकीय गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में निजी क्षेत्र में भी कम से कम जो है 2 वर्ष का जो है साफ सफाई का कार्य करने का अनुभव रहेगा, ठीक है। अभी जो है सिलेक्शन कैसे होगा तो चलिए ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार जो है वो अंक रखे जाएंगे, तो यहाँ पर वांछित शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक। दूसरा जो है न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, यानी अधिकतम 18 अंक। और तीसरा जो है छत्तीसगढ़ के अगर मूल निवासी हैं तो 2 जो है वो बोनस अंक दिए जाएंगे, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तो ये आपको 2 अंक नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल जो है वो 80 अंक के आधार पर जो है यहाँ पर मेरिट तैयार होगी, यानी इनके आधार पर तो है आपकी जो है 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार होगी। बाकी जो 20 अंक, तो 20 अंक जो है वो वॉक इन इंटरव्यू या कौशल परीक्षा, आपका स्किल टेस्ट कोई हो सकता है या फिर जो है वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है, बाकी कोई आपका ऐसा एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 20 अंक यानी इंटरव्यू आप माने तो 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में, अगर 2 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल समान होते हैं तो वहां पर जो है उम्र देखी जाएगी, उम्र में अगर वो अधिक होगा तो उसे ही जो है वरीयता मिलेगी। ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहा, ठीक है। बाकी और भी चीजें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये मैंने आपको बता दी कि पहले तो 2 वर्ष के लिए होगा, उसके बाद जो है आपकी सेवा को, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका कार्य करने का जो है कैपेसिटी अच्छी है, आपकी कार्य करने की योग्यता अच्छी है, तो आपका जो है सेवा को आगे ये हर साल प्रत्येक वर्ष, ये लिखा है प्रत्येक वर्ष जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्मेट है वो ये आपका नीचे दिया हुआ है, और एड्रेस भी है जिला कार्यालय अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बालोद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको फिल कर लेंगे, अपने जितने भी एजुकेशन से संबंधित आपकी योग्यताएं हैं या फिर आपका जो है एक्सपीरियंस से संबंधित योग्यताएं हैं वो सब जो है आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर नहीं भी है तो भी यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जो 3 पॉइंट बताए थे कि यहाँ पर मैंने 3 पर ही जो है ये राइट का मार्क क्यों किया है, क्योंकि जिला मिशन समन्वयक, जेंडर विशेषज्ञ और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ, तो इसके लिए यहाँ पर ये लिखा है, ये लाइन भी आप देखिए 4th नंबर पर, जिला मिशन समन्वयक और जेंडर विशेषज्ञ और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है वो ऑल स्टेट जो है वो अलाव रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। और बाकी यहाँ पर लिखा है जितने शेष पद हैं उस पर जो है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो अब जो है दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो बाहर के स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो केवल इन 3 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जिला मिशन समन्वयक जिसमें सैलरी 31,450 है, जेंडर विशेषज्ञ 25,780, उसके बाद वित्तीय साक्षरता समन्वयक विशेषज्ञ 20,900। अभी जो है आप लोगों को आवेदन पत्र को जो है केवल रजिस्टर डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ही भेजना होगा। एड्रेस जो है वो आप लोगों का एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है उसमें भी लिखा हुआ है। बाकी कार्यालय, जिला कार्यालय अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला बालोद छत्तीसगढ़, यहाँ से वैकेंसी है। ठीक है, और भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है, तो इसी के अनुसार जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन वेबसाइट पर कैसे जाना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे balod.government.in, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, होम पेज है ये। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, व्हाट्स न्यू में आप लोगों को सबसे 3rd नंबर पर आप लोगों को नजर आएगा एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर अप्रूवल फॉर ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर अंडर मिशन शक्ति। ठीक है, ये आपको नजर आ जाएगा, और जैसे ही आप लोग जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट जो है वो 5 अक्टूबर है, एंडिंग डेट जो है वो 26 अक्टूबर है, और यहाँ पर व्यू पर आप लोगों को क्लिक करना है, आपके सामने आ जाएगा पूरा नोटिफिकेशन, अंत में जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। एक बात और भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, हिंदी लेक्चरर, संस्कृत एंड कंप्यूटर टीचर। ठीक है, जिन जो है सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ चुकी है, जिन्होंने भी बालोद छत्तीसगढ़ से जो है फॉर्म फिल किया था, पहले फॉर्म फिल किए गए थे, उसके बाद दूसरा जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी, तो असिस्टेंट टीचर, साइंस लेबोरेटरी असिस्टेंट, इनकी भी जो है सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, तो जिसने भी फॉर्म फिल किया था तो वो अपनी जो है सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं। आगे ऐसी ही वैकेंसी के लिए जो है बने रहे चैनल पर, बहुत सारे स्टूडेंट की जॉब लग चुकी है और आगे भी लगती रहेगी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी को जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है स्टूडेंट्स को जॉब मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।